चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस द बेल आइकन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई ऐसे लोग होते हैं जो भगवान की निंदा गिला करते हैं और भगवान को वे समझ नहीं पाते। भगवान ने गीता में भी कहा है कि अर्जुन, जब मैं मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आता हूं तो लोग मुझे पहचान नहीं पाते हैं, मेरी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, अविज्ञा करते हैं। क्यों करते हैं लोग, क्यों भगवान को नहीं समझ पाते हैं? सुनिए आप, जिस इंसान की श्रद्धा, विश्वास, भाव, भरोसा सब मरा हुआ है या सोया हुआ है तो वो तो निंदा करेगा। जिसके अंदर वो चीज है ही नहीं, मरी हुई है मतलब है ही नहीं, तो वो कैसे भगवान की अच्छाई करेगा? और श्रद्धा, विश्वास ये सब कब इंसान के मर जाते हैं? जब इंसान के पूर्व जन्म के बहुत सारे पाप होते हैं। पूर्व जन्म के बहुत ज्यादा पाप होने के कारण ये सारी चीजें, विश्वास, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, ये सब खत्म हो जाता है, मतलब बिल्कुल जीरो हो जाता है। और इसलिए लोगों को भगवान समझ में नहीं आता और लोग भगवान को ही नहीं समझ पाते और उसकी गिला निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, भगवान पे टीका टिप्पणी करते हैं, है ना? अभी ऐसे ऐसे टिकटॉक पे जोक आ रहे हैं। कैसे जोक? कि भगवान कभी देखो तो कोरोना, कभी देखो तो भगवान टीडियां आ रही ना आजकल भारत में, कीड़े होते हैं, कभी टीडियां, कभी क्या, भगवान तुम चाहते क्या हो? इंसान इस बीच में भी खुद को दोष नहीं दे रहा, भगवान को कह रहा है चाहते क्या हो, चाहते क्या हो। जैसे एक दृष्टांत दूं, एक व्यक्ति को चश्मा बनाना था, वो डॉक्टर के पास गया, तो जो आंखों का स्पेशलिस्ट था उसके पास गया। तो आपको पता है डॉक्टर क्या करता है, जब हमारी आंखें चेक करता है वो, जब वो चश्मा लगाता है हमें, हमारी आंख पे, तो वो चश्मा बिना ग्लास के होता है, खाली चश्मा, जिन्होंने आंखों की टेस्ट करवाई होगी, तो उसमें वो ग्लास नजर के डालते जाता है, नंबर के ग्लास डालते जाता है, और सामने एबीसीडी या क ख ग लिखा रहता है, फिर वो कहता पढ़ो। मैं भी गया हूं, आप लोग भी गए होंगे, तुम कहते नहीं अभी ब्लर दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, फिर और डालता है, हम कहते नहीं और डालो। तो ऐसे वो व्यक्ति गया अपनी नजर चेक करवाने, डॉक्टर के पास बैठा, तो उससे पहले एक पेशेंट था जो डॉक्टर के पास जांच करवा रहा था अपनी। डॉक्टर ने उस पहले वाले पेशेंट के आंख पे खाली चश्मा लगाया था जिसमें ग्लास नहीं होते, और उसमें एक एक ग्लास करके वो चश्मा के जो नजर के जो माइनस प्लस जो ग्लास होते वो डाल के चेक कर रहा था। एक डाला, दो डाला, तीन डाला, चार डाला, पांच डाला, आखिर जो पेशेंट आया था उसको सेटिस्फेक्शन हुई, हाँ ये ग्लास सही है और मुझे पढ़ने आ रहा है, हाँ ए दिख रही है, बी बराबर दिख रहा है, सी बराबर दिख रहा है, मुझे सब पढ़ने में आ रहा है। यानी उसका चश्मा डॉक्टर ने कहा बाहर जाके बनवा लो, ये तुम्हारे नंबर के चश्मे हैं, तुम्हें ये नंबर लगेगा, 0.5 माइनस है, 0.5 प्लस है, जो भी है। और वो कस्टमर गया। अब इसकी बारी थी, जो कस्टमर की मैं बात कर रहा हूं उसकी, सॉरी पेशेंट की, अब इसकी बारी थी। पहले वाला तो चश्मा मना के गया, अब जो ये बैठा, अब इसको भी आंख, उसने कहा कि मेरी नजर कमजोर लग रही है मुझे, तो डॉक्टर ने उसको खाली चश्मा पहनाया, ग्लास डालते गया, एक डाला, दूसरा डाला, तीसरा, 10, 20, 50, दिख रहा है, पढ़ने में आ रहा है, बोला नहीं, बोला सामने पढ़ने में आ रहा है, बोला अभी भी नहीं, बोला अब पढ़ने में आ रहा है, बोला अभी भी नहीं। डॉक्टर ने 1000 ग्लास डाले होंगे, अभी दिख रहा है सामने एबीसीडी, बोला नहीं, अभी दिख रहा है क ख ग, बोला नहीं, नहीं, पढ़ने में आ रहा है, बोला नहीं, पढ़ने में आ रहा है, बोला नहीं,
डॉक्टर ग्लास डालते जा रहा है, नए नए डाल रहा है। भाई मैंने 1000 ग्लास चेंज किए और तुम्हें पढ़ने में नहीं आ रहा है, क्यों? कहा डॉक्टर साहब पढ़ा लिखा ही नहीं हूं। धत तेरी की, पढ़े लिखे नहीं हूं तो पहले बताना चाहिए ना, तुम्हारे अंदर पढ़ाई लिखाई नहीं है तो मैं कौन से ग्लास लगाऊं, तुम्हें क्या पढ़ाऊं? मेरी माताओं, मेरे भाइयों, जब अंदर पढ़ाई नहीं है तो बाहर क्या पढ़ेंगे? कितने भी चश्मे चेंज करो, कितने भी ग्लास चेंज करो, ऐसे अंदर भक्ति विश्वास प्रेम श्रद्धा नहीं है तो कहां भगवान दिखेगा, कहां भगवान समझ में आएगा? अब ऐसे इंसान अज्ञानी और मूर्खों को कितना समझाओ नहीं समझते, जब समय की ठोकर लगी तो एक अलग बात है, फिर ऐसे लोगों को समय की ठोकर लगती है। जब पढ़ाई है ही नहीं अंदर तो वो एबीसीडी क्या पढ़ने में आएंगी? भगवान श्रद्धा विश्वास है ही नहीं, श्रद्धा विश्वास भक्ति प्रेम हो तो भगवान समझ में आए ना, है ही नहीं तो क्या समझेंगे? ठीक है, जो समझ रहे हैं उनके ऊपर भगवान की कृपा समझना कि आज आपको भक्ति भाव में लगन है, आज आपको ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, ये बहुत बड़ी बात समझना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब भजन करो, खूब भजन करो और श्रद्धा बढ़ेगी और विश्वास बढ़ेगा। और बापू जी कहते हैं निष्पाप होके भजन करो, नाम स्मरण करो।